पुरुषों में आजकल के समय में दिन प्रतिदिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जीवनचर्या की छोटी छोटी बातें जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, वो अगर आप ठीक कर लें, अगर आप जान लें, जो कि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आप अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को बिना परेशान हुए, बिना ज़्यादा समय लगाए, समय रहते ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ 5 बातें महत्वपूर्ण हैं पुरुषों के लिए, जिनसे कि उनके स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि जीवनचर्या में खान पान, रहन सहन, सोने के समय में और तौर तरीके में होने वाली मिस्टेक से इनफर्टिलिटी ट्रिगर होती है, बढ़ती है। तो ये 5 बातें पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आइए उन्हें हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सोडियम, बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, जो भी फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड हम खाते हैं जिनमें ट्रांसफैट होता है, उन सभी के अंदर सोडियम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर सोडियम ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए सोडियम ज़्यादा का अर्थ है वज़न ज़्यादा, वो वज़न आपका बढ़ाएगा, और वज़न ज़्यादा का मतलब है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप सोडियम इनटेक, यानी कि वो फूड जिनमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको पता है ब्रेड, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड जो चीज़ें हैं, उनको आप बंद कीजिए कुछ समय के लिए, जब तक कि आप अपनी फर्टिलिटी को रिस्टोर ना कर लें। दूसरी चीज़ है जो आज के लाइफ स्टाइल में है, शुगर अनहेल्दी तरीके से हमारे डाइट में है। जेंट्स अपने वर्क प्लेस पे बार बार कॉफ़ी लेते हैं, बार बार टी लेते हैं, या फिर कुकीज़, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि शुगर हम लेते हैं, या फिर मैदे का चलन हमारे खान पान में बढ़ गया है। ज़्यादा समय घर से बाहर रहने पे आप बाहर का फूड लेते हैं जिसमें कि रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा है, तो वो भी अनहेल्दी है। और जैसे ही इंसुलिन का लेवल जो डिस्टर्ब होगा, वैसे ही आपकी स्पर्म क्वालिटी खराब होगी, यानी कि शरीर में शुगर का लेवल बढ़ना लो स्पर्म क्वालिटी का साइन है। तो आपको शुगर से बचना है, रिफाइंड जो फ्लोर है जैसे कि मैदा या उससे बनी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बचना है। अगर आप चावल ज़्यादा खाते हैं, वाइट राइस स्पेशली, तो आप वाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि आपकी फर्टिलिटी बढ़े, ना कि खराब हो। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये 2 बहुत ही खराब चीज़ें हैं स्पर्म की क्वालिटी और पुरुष प्रजनन तंत्र की स्वास्थ्य के लिए। तो अल्कोहल और स्मोक को आपको रोक देना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इससे स्पर्म ना बनने की प्रॉब्लम या फिर आपके जो भी प्रजनन तंत्र है उनमें खराबी आ सकती है। तीसरी खास बात है, जनरली अगर हम घरों में फूड हैबिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हैवी फूड पुरुष पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, ऑयल यानी कि फैट बहुत ज़्यादा फूड में ले रहे हैं, तब भी आपकी स्पर्म क्वालिटी पे प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फैट नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको अनहेल्दी फैट को नहीं लेना चाहिए, आपको हेल्दी फैट लेना चाहिए। घर में कुकिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्दी फैट जैसे कि अखरोट, वॉलनट्स का यूज़ कर सकते हैं, अलसी, फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको गुड फैट देंगी और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, और साथ ही आपको अपने घर में जो खाना बनता है उसमें ऑयल की क्वांटिटी भी कम रखनी है। ब्रेकफास्ट में अक्सर पराठे लिए जाते हैं या फिर कुछ फ्राइड फूड लिया जाता है, ये टोटली अनहेल्दी प्रैक्टिस है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउट्स यानी कि ब्रेकफास्ट फुल हो, पेट भरने वाला हो और उसमें न्यूट्रिशन जाता हो, क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन के शरीर के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो आपका ब्रेकफास्ट जो है प्रोटीन रिच होना ही चाहिए। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप एग ज़रूर लें, क्योंकि एग में इतने सारे न्यूट्रिशन होता है जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, आपके हॉर्मोन्स ठीक से बने उसके लिए ज़रूरी होता है। तो आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप उड़द की दाल से बनी खीर, उड़द की दाल का लड्डू, मिल्क में 2 क्लॉव्स बॉयल करके आप ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ों का ब्रेकफास्ट में शामिल करें, तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी 6 से 8 हफ्ते लेने के बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, वो भी बिना मेडिसिन के। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो लोग परेशानी में होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपनी परेशानी से बाहर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब सहेली चैनल के अदर वीडियोस को भी आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर, बाय बाय।